कभी कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता, बल्कि उपहास बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर से मिला है, जहां एक सड़क का शिलान्यास पहले भाजपा विधायक डॉक्टर मलिक ने अपने समर्थकों के साथ किया और फिर गढ़ अमरोहा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुमार दानिश अली ने किया। आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गढ़मुक्तेश्वर में 10 गांवों को जोड़ने वाले 9.5 किलोमीटर लंबे मार्ग का शिलान्यास रविवार को सांसद कुंवर दानिश अली व भाजपा विधायक डॉक्टर कमल मलिक को एक साथ करना था। इस सड़क निर्माण से गांव नानपुर, अकबरपुर, बुकलाना, शुक्लमपुरा, धनपुरा आदि के हजारों ग्रामीण लाभान्वित होंगे। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कमल मलिक अपने समर्थकों के साथ नानपुर पुलिस चौकी के पास शिलान्यास स्थल पर पहुंचे और उन्होंने नारियल तोड़कर नवनिर्मित मार्ग का शिलान्यास कर दिया। इसके बाद पहुंचे सांसद कुंवर दानिश अली यह देखकर दंग रह गए कि उनके पहुंचने से पहले ही सड़क मार्ग का शिलान्यास कर दिया गया है। सांसद ने भी समर्थकों के साथ सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। सांसद ने कहा कि केंद्र की मदद से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास सांसद द्वारा ही किया जाता है और वह इस पूरे प्रकरण को लोकसभा में उठाएंगे।